मेरा नाम यशदेव है और मैं गांव छड़ों का स्थाई निवासी हूँ मैं पिछले बीस साल से जो है खेतीबाड़ी कर रहा हूँ तो इसमें मैं पहले टमाटर शिमला मिर्च खीरा कद्दू और बैंगन की खेती करता था तो कुछ सालों से जो है मैंने इसमें अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के अलावा बागवानी की तरफ़ मेरा रुझान बढ़ा है तो 2020 में मैंने इसकी प्लांटेशन की है सेब की जिसका मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है सबसे पहले मैंने इसमें दो एक 2020 में जो है 111 पे काम किया जो रूट स्टॉक हमारा है उसके बाद लास्ट ईयर मैंने सीडलिंग पे भी थोड़ा काम किया हुआ है और इसके बाद जो है अब थोड़ा सैंपल पे भी आने लगा है और बाकी इसमें जो है मेरा ट्रेनिंग प्रोनिंग सिस्टम का भी तकरीबन नेचुरली चला हुआ है जिसमें जीवामृत घन जीवामृत वग़ैरह का भी अहम भूमिका है बाकी हमारे इसमें आत्मावाणों से भी कुछ जुड़ा हुआ है पिछले चार पाँच साल से उनका सहयोग भी हमारे को मिल रहा है जो बीच बीच में हमारे को प्रशिक्षण भी देते रहते हैं और उनसे थोड़ी जानकारी भी मिलती रहती है दूसरा उनसे थोड़ा बाकी कामों में भी सहयोग मिलता रहता है जैसे संसाधन भंडार के लिए हो गया और इनसे यानि कि नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है बाकी मेरा मेन मकसद बागवानी में आने का यही है कि थोड़ी आय बढ़ाना चाहता था बच्चों के जिस हिसाब से ख़र्चे बढ़ रहे हैं परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं उसके लिए मैंने अब बागवानी को चुना है इसमें मैंने लास्ट ईयर जो है एंटी हेलनेट लगाया था जिसके लिए हमारे को थोड़ी राहत राशि भी मिली है मैं ड्राइवरी भी करता हूँ तो उसमें हमारे जो है अब दो तीन साल से थोड़ा आय में थोड़ी कमी लगी थी यानी जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि चलो अपने घर से ही कुछ किया जाए उसके लिए मैंने कृषि की बजाय बागवानी को चुना सबसे पहले मैंने इसके लिए पूरा स्टडी किया इसको कि इसको क्या जरूरत पड़ेगी क्या इसमें उससे उसके लिए मैंने पहले मुर्गी पालन शुरू किया मुर्गी पालन से मेरी थोड़ी आय भी हुई उससे मेरे को जो है चिकन और भी मिलता रहा और जिससे चिकन और का मेरे को प्लांटेशन में फ़ायदा हुआ कि मेरे को नाइट्रोजन की जैसे से में ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि मैंने पहले इसको स्टडी किया कि इस चीज़ में हमारे को किस चीज़ के लिए ज़्यादा जरूरत मेरा जो है वो अपने खाद डालने का वो नहीं था इसमें कि मैं खाद डालूँगा या कुछ और करूँगा मेरा नेचुरल तरीके से था इसमें कि तो मैंने मुर्गी पालन को चुना जिससे मेरे को इसमें मैंने जो यानी जितना भी रासायनिक खादें हैं मैंने कोई नहीं यूज़ की हुई है बाकी प्लांट की जो ग्रोथ वो आपके सामने है दो साल का प्लांट है बीस 20 जनवरी दो हज़ार बीस को मैंने इसकी प्लांटेशन की थी मैं ये प्लांट जो है चाइल्ड से लाया था ये मेरे को तीन सौ रुपये का रूट स्टॉक पे बे प्लांट मिला था ये शुरू में मैंने चार सौ चार प्लांट लगाए थे बाकी जो सिडलिंग का इस बार लगाया है वो मैंने खुद ही तैयार किया है बीज से ये सोलह सौ सो शेडलिंग पे मैंने प्लांट जो ग्राफ्ट किया रूट स्टॉक पे चार सौ चार प्लांट है मेरे इसमें वेराइटियाँ हैं मेरे पास रेड ब्लॉक्स है किंग रोट है जैराम और पॉलिनाइजर में मेरे पास डार्क ब्राउन काला और गेल काला है मैंने इसमें पहला मेरा जो रूट स्टॉक पे था वो आठ बाई आठ पे था हमारे यहाँ पे थोड़ा धूप ज़्यादा पड़ती है इसलिए मैंने इसको डेंस किया है अब मैंने इसका जो दूरी घटा के वो चार बाई चार पे की हुई है गड्ढा मैंने पहले इसमें ट्रेंच विधि से तैयार किया था रूट स्टॉप के लिए लेकिन इस बार मैंने अर्थ ऑगर ले जो है वो दो बाई एक का गड्ढा तैयार किया है जिसमें प्लांटेशन की है मैंने सिंचाई के लिए मैंने ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल किया हुआ जो मैं पहला टमाटर में यूज़ करता था मैंने वही ड्रिप जो है इसके लिए क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का ये बेनिफिट हो जाता है कि इसमें पानी बहुत कम लगता है अच्छा दूसरा ये है कि खरपतवार भी नहीं होता क्योंकि इसकी सिंचाई जो सीमित जगह तक ही होती है जहाँ हमारे को ज़रूरत होती है अनुदान मैंने ड्रिप इरिगेशन में कोई अनुदान लिया ये मैंने छः साल पहले अपने पैसों से ही जो है वो परचेज़ किया था प्रूनिंग फर्स्ट ईयर तो मैंने ग्राफ्टर प्रोनर बुलाया था लेकिन अब मैं प्लांट की कैनोपी जो है वो अपने हिसाब से ही बनाना चाहता हूँ तो अब खुद ही उसकी मैनेजमेंट कर रहा हूँ लास्ट ईयर इसमें सैम्पल भी आया था रिस्पॉन्स कलर वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा था यानी जिस हिसाब से हम नेचुरल वे पे कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है कीटनाशक ऐसा है कि हमने अपना ही नहीं आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है इसलिए अगर हो सके तो नेचुरल वे पे जाके जो है हमारे पास संसाधन जितने भी है वो घर पे ही मिल जाते हैं इस काम को करने के लिए इसमें हम अग्निस्त्र वगैरह की नाशक के रूप में यूज कर रहे हैं और इसके लिए जो फर्टिगेशन के लिए भी जीवामृत वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो हमारे को मिल जाते हैं दूसरा घनजीवामृत के लिए भी यानी इसमें जो सूक्ष्म तत्व तो सेब के लिए ज़रूरी है वो हमारे को घर से ही यानी हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है प्राकृतिक खेती में मैं घर से ही वैसे हमारे सात आठ साल पहले टमाटर में एक रोग आया था सड़ान लगता है उसमें तो हमारे माता जी ने बोला कि इसमें गौमूत्र की स्प्रे कर दे और मैंने उसी टाइम गौमूत्र की स्प्रे की यानी प्रति पंप जो है तीन लीटर स्प्रे की उसमें तो वो सड़ान जो है वहीं का वहीं रुक गया और उससे पहले हम उस सड़ान को रोकने के लिए रेडो मिल की स्प्रे करते थे जो कि आज दो हज़ार रुपये किलो है उसका असर भी कम से कम दो या तीन दिन बाद होता था यानी उस सड़ान को रोकने के लिए और उसका गौमूत्र यूज करने से हमारे इमिजिएट उसका यानी सड़ान रुक गया टमाटर का जो है तो जब हमारे पास अपने उपलब्ध साधन से ही वो निपटारा हो रहा है तो हम केमिकल पर फिर क्यों जाएं चार साल पहला वालों से भी थोड़ा जुड़ा हुआ उन्होंने भी हमारे को थोड़ा प्रशिक्षित किया बीच बीच में फिर कैंप भी अटेंड किए इनके फिर इन्होंने संसाधन भंडार के लिए भी हमारी आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता की जिसके लिए हम प्राकृतिक वालों का काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं इसमें हमारे संदीप सर है बी सर जो हमारे आजकल टू टू ब्लॉक के हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा उनका मार्गदर्शन हमारे यानी कि सेब की खेती में भी काफ़ी फायदेमंद रहा फिर जैसे जैसे उन्होंने बताया हमने उसी तरीके से इसमें कार्य किया है ये लास्ट ईयर पहला तो मैंने अपने पैसों से ही परचेज किया एन नेट जो है लेकिन उसके बाद बागवानी विभाग से थोड़ा इसमें हमारे को पचासी परसेंट उपदान भी मिला है ये इक्कीस स्क्वेयर मीटर का एरिया है जिसमें मैंने प्लांटेशन की है तो इसमें मेरे जो है लगभग उन्नीस के करीब रूट स्टॉक और सीडलिंग पे लगा है इसमें हम जैसे हमने ताज़ा गोबर नीचे रखा हुआ है तो ये हम इसी के ऊपर रखेंगे इसको डिकम्पोस्ट हो के मल्चिंग का काम भी करेगा और डीकम्पोस्ट हो के इसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह वो हमारी ज़मीन में ही मिलता रहेगा फिर इसमें जैसे हवा पानी के लिए भी केंचुए वगैरह इसमें सहयोग करते हैं हमारे जो प्राकृतिक तरीके से जो हमारे को फ़ायदेमंद है हमारे मित्र कीट मेरा थर्ड लीफ ईयर है तो इस साल मेरे को जो उम्मीद है वो पाँच किलो पर प्लांट उम्मीद है कि मेरे को मिल जाएगा और जिस हिसाब से मैंने इसकी ट्रेनिंग की है तो नेक्स्ट ईयर को जो है मेरे फुल बॉक्स यानी मिलने की उम्मीद है अब अभी फ्रूटिंग पे जो है मेरे चार सौ प्लांट आ रहे हैं तो इसमें अगर मैं एवरेजन पाँच किलो के हिसाब से भी लगाऊं तो मेरा बीस क्विंटल से मेरे को मिल जाएगा अगर वो सौ रुपये के हिसाब से भी जाता है तो दो लाख रुपया मेरे को शुद्ध प्रॉफिट होगा जिसमें मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम है यानी जो मैं मार्केट से जैसे जीवामृत वगैरह के लिए गुड़ वगैरह परचेज़ करता हूँ बेसन परचेज़ करता हूँ तो उसी का खर्चा है बाकी मेरा यानी कि ये समझो आप की दो हज़ार के करीब ही ख़र्चा रहेगा बाकी शुरू में मैंने रूट स्टॉक को चुना तो इसमें लोग बताते हैं कि जिनको मैंने फॉलो किया कि इसमें क्वालिटी बढ़िया बनती है फ्रूट अच्छा आता है जल्दी फ्रूट देने लगता है उसके बाद मैंने प्रेम चौहान जी और चार पांच ग्रोवर ऐसे हैं जिनको फॉलो किया डिम्पल पांचटा जी है तो उनकी मैंने वीडियोज़ भी देखी सोशल मीडिया पे तो फिर मैं उसके बाद जो है शिडलिंग की ओर आकर्षित हुआ उसमें मैंने ये देखा कि अगर आप पौधे को स्ट्रेट ले जाके जो है और उसकी कैनोपी को ज़्यादा ना बढ़ाओ शुरू में ही उस ब्रांच को पिंच कर दो तो उसमें अर्ली फ्रूटिंग आ जाती है जैसे कि शिडलिंग में आती है सॉरी रूट स्टॉप में आती है नहीं अगर हम रूट स्टॉक की जगह अगर सीडलिंग पे भी उसी तरह से ट्रेनिंग प्रोनिंग करें इसकी तो हम बजाय रूट स्टॉक के सीडलिंग पे भी वही हाँ ये है कि इसमें हमारे को जो है लो चिलिंग वैरायटी ग्राफ्ट करनी पड़ेगी जैसे पहला होता था कि रॉयल की वैरायटी होती थी उसमें पंद्रह सौ घंटे इसका चिलिंग आवर बताते हैं तो हमारे पास आज डेट में जो है बाहर से जो इंपोर्ट की है कृषि विभाग बा, बागवानी विभाग ने तो उसकी चिलिंग आवर जो है वो 700 घंटा भी है अब जैसे मैंने चार प्लांट लगाए अन्ना और डोर सेट के तो उसकी रिक्वायरमेंट ढाई से और 300 घंटा बताते हैं तो उस हिसाब से हमारे को तो जितना कम चिलिंग ची, आवर वाली वैरायटी लगाई जाए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी मेरा युवा बागवानों से यही अनुरोध है कि अपने पहला तो यानी कि जलवायु का सबसे पहले आंकलन कर लें उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख के भी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो रूट स्टॉक पे भी जा सकता है अगर अपने ही स्तर पर तैयार करना चाहता है तो वो सीडलिंग पे भी जा सकता है क्योंकि सीडलिंग में भी अगर आपकी लो चिलिंग की कल में ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें जल्दी हमारे को मुनाफा आने की उम्मीद है मेरे हिसाब से सीडलिंग का हमारे को खर्चा भी कम आता है बजाय रूट स्टॉक के क्योंकि अगर रूट स्टॉक लगाना चाहे तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को इरिगेशन का होगा क्योंकि इसकी एम नाइन रूट स्टॉक है जो उसकी शेलो रूट्स है तो पानी भी ज़्यादा मांगती है अच्छा इसमें दूसरी वैरायटी है जो मैंने 111 को चुना है उसकी थोड़ी सीडलिंग की तरह विग्रस वैरायटी है इसमें फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा और तीसरा इसका ये है कि अगर कम लागत में किसी बागवान भाई ने अपना बागवानी का काम शुरू करना है और वो सेब को चुनता है तो इसमें मैं तो सिडलिंग पे ही जाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा क्योंकि इसमें ख़र्चा भी कम है और पानी की भी अगर आपके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है तो इसकी रूट्स जो है वो काफ़ी फैलती है यानी जो हमारे जैसे पानी का अभाव भी है कई जगह कई क्षेत्रों में तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से खर्चे के हिसाब से भी और उसके लिए सिडलिंग पे ही जाना बेहतर रहेगा बाकी अगर आपको करना मैं खुद भी अपने स्तर पे छोटी मोटी नर्सरी तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब मदर स्टॉक अपना ही है उसमें सैंपल भी आ गया हुआ था तो मेरे को पता है कि जो जैन वेराइटी है हमारे को कहाँ से मिलेगी और यानी हम खुद ही अपना इसमें प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं बाक़ी मैं आपको जो है वो दो साल की जो मेरी ट्रेनिंग और प्रोनिंग रही है वो भी दिखाना चाहता हूँ किस तरह मैंने अपने पौधे को ट्रेन किया है और किस तरह इसमें ब्रांचें निकाली है और मेरा जो इसका मेन मकसद है वो छोटी ब्रांच लेके मैंने किस तरह पर डेवलप किए हुए हैं बाकी आप देख सकते हैं और इस साल मेरे ख्याल कई क्षेत्रों में जो है अभी पिंक ग्रीन टिप भी नहीं आई है और मेरे इसमें ग्रीन टिप भी आ गई है और टाइट क्लस्टर भी बनना शुरू हो गया हुआ है दो साल में जो है मेरे ये नेचुरल तरीके से इसकी आप ग्रोथ और स्ट्रेंथ देख सकते हैं बाकी मैंने इसका ट्रेनिंग प्रोनिंग सिस्टम ट्रेनिंग जो है वो और जनरल रखिए है से जिससे जो है हमारी बीमे भी जल्दी बने और हमारे को फसल भी जल्दी मिले और जल्दी मुनाफा हमारे को मिल सके बाकी इसमें हमने जो है प्राकृतिक तरीके से चौबाटिया पेस्ट ना बना के अपना चिकनी मिट्टी गौमूत्र और जो है इसमें हल्दी और इसमें हींग भी डाला हुआ है उसी से हमने ये घर के ही उससे अपने संसाधनों से जो है चौपाटिया पेस्ट बनाया है तना लेप जो हम बोलते हैं उसको तैयार किया है अगर हम इस ब्रांच को ज़्यादा बढ़ने देते हैं तो इसमें आगे जाके फ्रूट लगेगा और हमारा जो है फ्रूट अगर आगे लगा तो नीचे झुक जाएगा और पीछे से जो है टहना टूटने का डर रहता है तो इसके लिए मैंने अपना जो मेरा ट्रेनिंग प्रूनिंग का है वो मैंने ब्रांच छोटी रख के यानी इसी पेस्ट परफॉर्मेशन मैंने तैयार करनी है जिससे सन पेनिट्रेशन का भी इतना वो नहीं रहेगा इसमें और मेरे को फ्रूट की क्वालिटी जो है वो लीटर के नज़दीक ही मिल जाएगी लास्ट ईयर नोचिंग की थी लेकिन उसमें कुछ हद हाँ तक तो मेरे को कामयाबी मिली लेकिन कुछ जो अपने नेचुरल तरीके से ही इसमें ब्रांचे भी निकली और पर भी तैयार हुए हुए चार मैंने इसमें फैदर प्लांट भी लिए थे तो जिसमें जो है मेरे को इस बार मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आपको और उसमें जो है यानी मेरे को चार प्लांट से जो है चार पेटी की मिलने की पूरी उम्मीद है मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं विकासखंड टूटू में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ ये मैं प्राकृतिक खेती और ये आत्मा स्कीम के अंतर्गत है स्कीम के अंतर्गत कार्यरत हूँ यहाँ पे जो हमारा ये प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत स्कीम जो है ये 2018 में लॉन्च हुई है जिसको हमारे एक्स गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी ने और हमारे जो पूजनीय क्या नाम सुभाष पालेकर जी हैं जिनके द्वारा इसकी नींव रखी गई हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जो हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस स्कीम के संचालक हैं और जो हमारे परियोजना निदेशक हैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री राकेश कंवर जी उनके द्वारा ये स्कीम 2018 से पूरे हिमाचल में चलाई जा रही है जो कि पूरे हमारे 88 ब्लॉक्स में ये ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट की गई स्टार्टिंग में इसमें हर पंचायत से एक एक मास्टर ट्रेनर लिए गए स्कीम को चलाने के लिए हमारी टीम में हम तीन मेंबर्स हैं बीटीएम और दो ए हैं जो कि हम हर पंचायत की फील्ड में जाके जो लोग स्वेच्छा से नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं और आज की डिमांड भी यही है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ इसलिए भी बढ़ना चाह रहे हैं ज़्यादा कीटनाशकों के और ये जहर uh, युक्त यूरिया केमिकल्स के स्प्रे से फर्टिलाइज़र्स से जो है हमारी ज़मीन जो है बंजर होती जा रही है तो ये काम बहुत अच्छा है और इसमें हमारे बढ़ चढ़ के काफ़ी किसान प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हम लेते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स में अब यशदेव जी की जहाँ पे हम बैठे हैं शुरू गांव में पंचायत गिर खुर्द में तो इनकी सोए इच्छा से कि भी मैंने करना ही न चुर है जैसे आप इनका ये था कि पंद्रह बीस सालों से ये के केमिकल पे फोकस थे और अब इनको मन बदला कि पहले हमने अपना स्वास्थ्य देखना है अपने परिवार का स्वास्थ्य देखना है और अपने एरियो को जागरूक करना है कि हम केमिकल फ्री हुए तो इन्होंने हमारे साथ संपर्क किया हमारे ब्लॉक में कृषि विभाग की जो टीम है ब्लॉक टेक्निकल टीम हमारी जो है उसमें बी टी एम ए टी एम है और हम विलेज विलेज लेवल तक इसको जागरूक कर रहे हैं कृषि विभाग के माध्यम से हर विलेज के हर पंचायत के गांव के वार्ड के 20 लोगों से लेकर 30 लोगों का कैंप दो दिन का शिविर लगाया जाता है जिसमें संपूर्ण जानकारी हम हर वक्त ये प्रदान करते हैं कि भी दो दिन के कार्यक्रम में कि हमने लोकली अपने लोकल गाय के गौंद से गोबर से किस तरीके से प्राकृतिक खाद बनानी है और कीटनाशक हमारे आसपास ही ऐसे संसाधन हैं कि हमें बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है तो उसके हम कीटनाशक बनाते हैं दो दिन के कार्यक्रम में पूरा विस्तार पूर्वक ये जानकारी दी जाती है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करो अपना ये जो प्राकृतिक खेती है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है इसको किचन गार्डनिंग से कैसे शुरू कर सकते हैं मार्केट के ग्लट को हम कैसे कम कर सकते हैं मार्केट के ग्लट को हम मिक्सित खेती से कर सकते हैं अपनी बंजर भूमि को जीवामृत पिला के और उसमें अच्छादन जिसको मल्चिंग कहा जाता है उसके द्वारा किया जा सकता है तो इस तरीके की जो जानकारी है दो दिन के कार्यशाला में दी जाती है और उसमें से क्या होता है कि हर महीने या बीस दिन बाद जो स्वेच्छा से कई ऐसे किसान होते हैं कि जी हम इसको करना चाहते हैं तो हमारी जो टीम है बी टी की वो ग्राम स्तर पे उनके पास पहुंचती है जिसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर हमारे पास इस टाइम में मैं टू टू ब्लॉक की बात करूं तो टू टू ब्लॉक में चौंतीस पंचायतें हैं जिस चौंतीस पंचायतों में इस टाइम इस समय हमारे पास एक एक मॉडल इस टाइम है जो कि हम दिखा सकते हैं कि भी हमारे पास जैसे यशदेव जी हैं इसी तरीके से गिर खुर्द के नरेश वर्मा जी हैं जो कि इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं उनका भी एप्पल पे ही फोकस है एप्पल और मिक्स खेती को कैसे लिया जा सकता है वो इसी तरीके से जैसे हम ये चुपाटिया पेस्ट है ये केमिकल है और यहाँ नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि हमारी लागत कम होती है लागत कम होगी तो अपने आप हमारे खर्चे कम होंगे और जो कि मार्केट में उसका हमारे को दाम मिले मिल पाएगा वो भी कैसे हो पाएगा कि मार्केट में कई बार ग्लट आता है पर हमारे को उसकी पैसा उतना नहीं मिल पाता है पर हमारी जब लागत ही कम होगी तो मार्केट में हमारे को दिक्कत नहीं आती है तो इस तरीके का हमारे यहाँ परीक्षण भी चलते हैं और लोगों की फील्ड में अब जो इस टाइम हिमाचल प्रदेश का आ, सिनेरियो है हमारा प्राकृतिक खेती का सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में एक लाख अड़सठ हज़ार किसान जो है इस प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और इस अभियान को हम अब और इससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए हर ग्राम में एक मॉडल तैयार करना चाह रहे हैं और काफ़ी लोगों इसमें सहयोग भी मिल रहा है लोग बोलते थे कि टमाटर नहीं बच पाता और टमाटर वाला किसान एक ऐसा किसान है कि जिसके हमेशा पीठ पे एक पिट्ठू हमेशा ही रहता है कि भी कब स्प्रे करना पड़ जाए दिन में रात में तो इस तरीके का जो सिनेरियो है इसमें हमारी टीम हमारे ब्लॉक की टीम हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे एस के जो डायरेक्टर हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता है कि भी आप फील्ड लेवल पे कैसे भी करें और लोगों को जोड़ें अच्छे मोटिव से हम जोड़ भी रहे हैं तो इसमें हमारा जैसे टमाटर की एग्जांपल दिया था तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं काफ़ी अच्छे फार्मर्स हैं जिनका खुद का रिस्पॉन्स है कि हमने टमाटर में अपने गौ यूरिन से और इससे हमने इसको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लिया है इस सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के चार ही सितंब हैं गाय कैचुआ अच्छादन और वापसा लाइन चौथी चीज़ हमारी आती है जीवामृत जीवामृत को बनाने के लिए कुछ नहीं है वो एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने का एक संसाधन है जिसे हम सिर्फ गाय के गौछ गोबर गुड़ बेसन और जंगली मिट्टी से बनाते हैं इसकी ड्रेंचिंग की जाती है इसी तरीके से जीवामृत है खट्टी लस्सी जो है हमारी फफूद नाशक का के काम आती है वो एक बेस्ट फफूद नाशक है उसी तरीके के जंगली ऐसे ऐसे आ, ऐसी औषधि पत्तियाँ जो कि हमारे आ, घरेलू प, पशु हमारी पहाड़ी गाय नहीं खाते उससे हम कीटनाशक बनाते हैं और इन्हीं का हम स्प्रे करते हैं इसी संदर्भ में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किसानों को ड्रम दिए जाते हैं पचहत्तर परसेंट सब्सिडी पर जो किसान हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पचहत्तर परसेंट सब्सिडी पर ये ड्रम दिए जा रहे हैं और गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए गौछ इकट्ठा करने के लिए इस पर भी सब्सिडी है संसाधन भंडार है कोई लोग अगर नहीं बना सकते हैं बेचने के लिए है तो बेचने के लिए उनको संसाधन भंडार दिए जाते हैं और किसी के पास गाय नहीं है पर प्राकृतिक खेती करना चाहता है तो देसी नस्ल की साहिवाल हो गया रेड सिंधी हो गया इस किस्म की गाय ला वो अपने दूध का भी आवे, 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 काम कर सकता है और इनके गौछ गोबर से वो दवाइयाँ बनाने के लिए भी कर सकता है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को लोगों तक तो बताएं और प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए बी टी ब्लॉक लेवल की टीम से जुड़ें धन्यवाद